सोनी सब का सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर आ गया है अपने कंट्रोवर्सी के चक्कर में। और इस बार कंट्रोवर्सी जो है वो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और शैलेश लोढ़ा साहब को लेके है। आइए जानते हैं आखिर ये कंट्रोवर्सी कैसे जन्म ली और इस शो में क्या शैलेश लोढ़ा साहब आपके तारक मेहता वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे एंड तक। बात करें अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा की, तो इस शो के दिन वैसे भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस शो को आए दिन नए नए एक्टर्स जो हैं इस शो को जो बना के रखे थे इतने सालों से, वो धीरे धीरे करके क्विट करते जा रहे हैं और ये शो के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जब मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान पूछा गया असित कुमार मोदी से कि क्या शैलेश लोढ़ा वापसी करेंगे इस शो में या नहीं, तो असित कुमार मोदी का जो जवाब था वो आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए और बहुत ही शॉकिंग भरा जवाब था। असित कुमार मोदी ने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात की और उनका कहना है, मैं तो चाहता हूं कि सभी एक्टर एक परिवार की तरह रहे, कोई भी एक्टर इस शो को ना छोड़े। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि शो मस्ट बी गो ऑन, शो किसी के लिए नहीं रुकेगा। साथ ही साथ उनका कहना था, अगर कोई लोग नहीं आना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। असित कुमार मोदी ने कहा कि मैंने लाखों बार रिक्वेस्ट की है कि वो इस शो में आ जाए, और ये वो कहने का मतलब शैलेश लोढ़ा साहब को इन्होंने तंज कसा और कहा, मेरी प्रोडक्शन से अभी भी बात चल रही है कि वो तारक मेहता को वापस ले आए शो में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी का पेट भर गया है और वो इस शो से अगर दूरियां बनाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं बहुत ही खुश होऊंगा अगर वो वापसी करेंगे इस शो में तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम जरूर किसी नए चेहरे को तारक मेहता के रूप में देख सकते हैं। वेल, इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी आने का मतलब साफ है कि शैलेश लोढ़ा और असित कुमार मोदी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बीते कुछ दिन पहले ही शैलेश लोढ़ा ने इस शो को छोड़ दिया, जिसके बाद ये शो जमकर ट्रोल हुआ था और असित कुमार मोदी से ये भी जवाब मांगा जा रहा था कि आखिर इस शो को एक के बाद एक एक्टर क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीजन है। असित कुमार मोदी की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है और शैलेश लोढ़ा ने अपने बयान में आपको पहले भी बताया है कि इस शो में किस तरीके से राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स आ गया है प्रोडक्शन में, जिसके चलते उन्होंने इस शो से अपने आप को दूर रखना ही सबसे बेहतर समझा। खैर, आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको, क्या आपके फेवरेट तारक मेहता और शैलेश लोढ़ा इस शो में वापसी करेंगे या नहीं, और क्या उनको इस शो में वापस आना चाहिए, या आप समझते हो कि ठीक है वो अगर शिमारू टीवी पे एक नया शो लेके आ चुके हैं, अगर वो एक नए शो में काम कर रहे हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस शो में वापस आने का, और असित कुमार मोदी को चाहिए कि वो प्रोडक्शन की तरफ से सभी एक्टर्स को एक ऐसा गेस्चर क्रिएट करे कि सभी एक्टर्स इस शो को सालों साल ज्वाइन करके रखे जैसा कि पहले किया जाता था। खैर, आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे कंट्रोवर्सी पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।